12 में से 5 राशियों की लड़कियां विवाह के लिए होती है सर्वोत्तम। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार से नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो इस नए जीवन में नए जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत हम सभी करते हैं। इसके लिए आप चाहे आपका विवाह हो रहा है, आपका मित्र का विवाह हो रहा है, या फिर आपके बेटे का विवाह हो रहा है, या आपके भाई का विवाह हो रहा है, सभी के लिए हम अच्छी से अच्छी दुल्हन अपने घर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लड़की हमारे घर में आए वो बेटी बन करके आए और हमारे घर में वो सभी प्रकार से सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करे और सभी के साथ घर में मिलजुल करके रहे, तो सभी के साथ स्नेह रखे और वो भाग्यशाली भी हो जिससे हमारे घर की उन्नति हो और प्रगति हो, और जिस लड़के के साथ उसका विवाह होता है उसकी उन्नति भी हो। तो ये हम सब उससे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उसका अच्छा व्यवहार हो, ये सभी चाहते हैं। तो सभी अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए अच्छी से अच्छी दुल्हन की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार हम जो है देखते हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कई ऐसी समस्याएं आ जाती है जिनके कारण दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो हम आपको ये 5 राशियां विशेष रूप से बताने जा रहे हैं कि 12 में से जो 5 राशियां हैं उनकी कन्याओं को, उन लड़कियों को यदि आप अपने घर की बहू बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और आपके घर की प्रगति होगी। तो राशियों की गणना हम अब ऐसे करेंगे कि यदि आपकी जो जन्म राशि है उससे भी इसकी गणना की जाती है, क्योंकि विवाह एक स्थायी कार्य होता है और जन्म राशि का प्रयोग ही विवाह कार्य में विशेष रूप से किया जाता है। जो आपकी प्रचलित नाम राशि होती है वो तो केवल दैनिक गोचर के और राशिफल का जो प्रतिदिन का जो देखा जाता है उसमें उपयोग की जाती है, और जो जन्म की राशि होती है उसे पूरे जीवन के जितने भी स्थायी कार्य होते हैं उन सब के लिए उपयोग की जाती है। तो विवाह जीवन का एक स्थायी कर्म होता है जिसके लिए हम जन्म राशि का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये 5 राशियों की जो लड़कियां होती है वो भाग्यशाली होती है, उनके आने से घर में समृद्धि आती है और महालक्ष्मी स्वयं चली आती है। तो ये 5 राशियां मेष, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ, ये 5 राशियों की जो लड़कियां होती है वो सबसे भाग्यशाली मानी जाती है। तो यदि आप अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने मित्र के लिए या फिर अपने किसी बंधु के लिए दुल्हन की यदि तलाश कर रहे हैं तो आप 5 राशियों का विशेष रूप से चयन करें तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी। हम यदि शादी का विचार करते हैं तो अच्छी कन्या की खोज में लगे रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम उनका गुण मिलान करते हैं, मंगली दोष देखा जाता है और सब कुछ देखते हैं, लेकिन इन 5 राशियों की जो लड़कियां होती है वो विशेष रूप से जो है भाग्यशाली मानी जाती है। तो इनमें जो सबसे श्रेष्ठ राशि होती है वो होती है कर्क राशि। कर्क राशि की जो लड़कियां होती है वो विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि कर्क राशि जो होती है वो उसका स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि की महिलाएं भावनात्मक होती है, भावना का एक बड़ा उनके अंदर सागर रहता है और प्यार के प्रति वो सबसे ज़्यादा समर्पित रहती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में एक खास बात और यह है कि जब किसी से ये प्यार करती है तो पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उसके साथ प्यार करती है और बखूबी उस रिश्ते को निभाना भी जानती है, और इनका जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है उसके कारण ये जो है सबको अपनी तरफ जो है मोहित कर लेती है और सबके साथ में प्रेम से मिल करके सौहार्द का एक वातावरण घर में निर्मित कर देती है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वो आती है मेष राशि। मेष राशि की जो लड़कियां होती है वो ऊपर से थोड़ी तख्त मिजाज की रहती है, अर्थात उनको साफ बोलना अच्छा लगता है
और गुस्सा भी उनके अंदर यदा कदा ज़्यादा रहता है, लेकिन वो भी जो है पूर्ण रूप से वफादारी के साथ में अपने दाम्पत्य जीवन को निभाना जानती है और सभी प्रकार से जो है अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति मान सम्मान और सौहार्द की भावना रखती है। अपने जीवन साथी को हर संभव मदद करती है। यदि वो किसी क्षेत्र में कमज़ोर हो जाता है तो उसकी ढाल भी बनती है, पर इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही मेष राशि की जो महिलाएं होती है, अगर किसी में इनकी रुचि हो तो ये पूर्ण रूप से उसके प्रति जो है समर्पित हो जाती है और सभी को ये सम्मान देती है और परिवार की हर इच्छा को ये पूरी करती है। इसके बाद तीसरे क्रमांक पे जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि। और ऐसे ये सिंह राशि जो है अपने आप में जो है राजा मानी जाती है, क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य होता है। सिंह राशि की महिलाएं अत्यंत मजबूत व्यक्ति की होती है, किसी से डरती नहीं है, किसी से घबराती नहीं है, हर कठिनाई में डट करके सामना करती है। ऐसी लड़कियों को अपना बनाने के लिए जो है किसी भी तरह से लड़कों को तैयार रहना चाहिए। सच कहें तो ऐसी लड़कियां आसानी से जो है किसी के वश में भी नहीं आती है, क्योंकि अपने आप में शेर की तरह होती है। और इनके अंदर इनकी खासियत यह है कि इनको जो है सब कुछ होते हुए भी घमंड नहीं होता है, विनम्रता का भाव इनके अंदर रहता है और ये जो है परिवार से लेकर दोस्त, समाज और सभी की जो है मर्यादा बनाए रखती है। इन्हें मालूम होता है कि कब, कहाँ और क्या बात करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका इनको भली भांति ज्ञान रहता है। आकर्षक व्यक्तित्व इनके अंदर रहता है, ऐसी महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये अपने जीवन साथी के साथ मिलजुल करके पूर्ण रूप से जो है गृहस्थ जीवन को संचालित करती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी, तो दोनों मिल करके जो है इसको चलाते हैं। तो सिंह राशि की जो लड़कियां हैं वो पूरी तरह जो है इस गृहस्थ जीवन को संचालन करने में अपना जो है योगदान देती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि तुला राशि। तो तुला राशि की जो लड़कियां होती है, तुला का मतलब होता है तराजू, हर कसौटी पर वो सभी चीज़ों को तोल करके ही जो है आगे बढ़ाती है। तोल मोल कर बोलना उनकी आदत होती है, गंभीर व्यक्तित्व होता है उनका और उनका जो स्वभाव होता है वो सौंदर्य प्रधान होता है। हर सुंदर चीज को पसंद करना, घर को सजाना संवारना, क्योंकि उनकी जो राशि का स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है और शुक्र ग्रह सौंदर्य का कारक होता है, वैभव का कारक होता है, विलासिता का कारक होता है, भूख का कारक होता है। साथ ही जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए हर संभव तुला राशि की महिलाएं प्रयास में लगी रहती है। तो तुला राशि के जो महिलाएं हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की मानी जाती है। उनमें भी जो है परिवार को लेकर के चलने की एक क्षमता होती है और सभी प्रकार से वो परिवार को अच्छी प्रकार से निभा पाती है। इसके बाद आता है कुंभ राशि का नंबर। तो कुंभ राशि जो होती है उसका स्वामी हालांकि शनि ग्रह होता है, लेकिन फिर भी कुंभ जो है एक स्थिर स्वभाव की राशि होती है और कुंभ होते हैं घड़ा, घड़े को कुंभ बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ को घड़े की उपमा दी गई है और इस घड़े में जो है अथाह वस्तुओं को भरने की क्षमता रहती है, अर्थात अपने अंदर हर एक जो है अच्छाई को यह संवार करके रखती है और कब, किसका और कैसे बोलना है और किस प्रकार जो है किससे कैसा व्यवहार करना है ये अच्छी प्रकार से जानती हैं और सभी को लेकर के चलने की इनके अंदर क्षमता होती है और धन संग्रह करने की इनके अंदर एक अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा होती है, जिसके कारण घर में समृद्धि आती है। जो लड़कियां अपने ससुराल में जाकर के धन को बचाना जानती है, धन संग्रह करना जानती है, वो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, क्योंकि जो लक्ष्मी होगी वही अपने पास में धन को रखेगी, धन की स्थिरता उन्हीं के कारण आ सकती है। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि मेष, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ, इन राशियों की जो लड़कियां होती है वो विवाह के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बाकी राशियां भी अपने अपने हिसाब से ठीक होती है, लेकिन जो सर्वोत्तम राशियां हैं वो हमने आपको बताई। और राशियों की गणना जन्म राशि से ही करना चाहिए, क्योंकि जन्म राशि ही विवाह कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
तो मित्रों, हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई, यदि आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, और लगातार इसी प्रकार देखते रहिए। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।